नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब न्यूज अड्डा में। तो दोस्तों, आपके लिए जो वैकेंसी लेकर के आए हैं, इन वैकेंसीज को अनाउंस किया है LIC ने, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। और टोटल वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो 300 पद यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। तो ऑल इंडिया सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से आते हों। और दोस्तों, लड़का हो लड़की हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप सुन लीजिए अभी अच्छे तरीके से, बाद में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहां से दोस्तों आप इन वैकेंसीज का डिवाइडेशन देख सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर के कुल 100 पद हैं, ये पद दोस्तों ऑल इंडिया रहेंगे, यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर के 100 पद हैं, इन पे भारत के सभी कैंडिडेट एक साथ आवेदन कर सकते हैं, इनमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया है। और इसके बाद दोस्तों यहां से आप चेक करिए, ये जो डिवाइडेशन है दोस्तों, ये क्षेत्रवार किया गया है, यानी कि सभी क्षेत्रों के पद उनको बांट करके दिए गए हैं। हम अपने क्षेत्र की दोस्तों बात करें, उत्तरी क्षेत्र की, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ को कुल 9 पद दिए गए हैं। इनमें से असिस्टेंट के 5 पद दिए गए हैं और एसोसिएट के 4 पद हमें दिए गए हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा यहाँ पे होने वाला है दोस्तों, बट ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। इसके बाद दोस्तों आप ये डिवाइडेशन आप जिस भी स्टेट से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और एक बात का दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप असिस्टेंट और एसोसिएट के पद पे सिलेक्ट होते हो तो उसी जोन में आपको ड्यूटी दी जाएगी जिस जोन से आप सिलेक्ट हुए हो। बट दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जो कि ऑल इंडिया 100 पद थे, उस पद पे सिलेक्ट होते हो, तो ऑल इंडिया कहीं भी आपको ड्यूटी दी जा सकती है, ठीक है, कहीं भी इंडिया में आपको जाना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो सभी वैकेंसीज के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है और कंप्यूटर का नॉलेज भी कंपलसरी है। यहाँ पे परसेंटों में कुछ अंतर रखा गया है दोस्तों। सबसे पहले असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए आपके 55% BA में होने जरूरी है। एसोसिएट की बात करें तो 60%, असिस्टेंट मैनेजर के भी 60%। तो आप अपने परसेंट एक बार काउंट कर लीजिएगा। कंप्यूटर नॉलेज तो सभी में जरूरी है, पहले ही आपको बता दिया। एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम एज आपकी 21 और मैक्सिमम 28 वर्ष हो सकती है। और आपकी एज की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2019 से। आपकी सैलरी की बात करें दोस्तों तो असिस्टेंट के पद के लिए आपको 23,870 रुपए दिए जाएंगे, एसोसिएट के पद के लिए 35,960 रुपए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 56,000 रुपए पर मंथ दोस्तों आपको सैलरी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट LIC housing.com, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेसिंग आपको बताई गई है कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। और दोस्तों, इन वैकेंसीज के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी और वो फीस रहेगी 500 रुपए। आप अपनी फीस नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से पे कर सकते हो। और आपकी जो चयन की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, वो रहेगी ऑनलाइन परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, इन्हीं बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और जो एग्जाम होगा दोस्तों, 200 नंबर का होगा और 200 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी दोस्तों इसमें प्रावधान रखा गया है, आप यहां से देख सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और परीक्षा केंद्र जो है दोस्तों, नई दिल्ली, पटना, लखनऊ सहित देश के 47 परीक्षा केंद्र होंगे, यानी कि काफी ज्यादा परीक्षा केंद्र है, इजिली आपके नजदीकी आ जाएगा आपका एग्जाम सेंटर। और इंपॉर्टेंट डेट की दोस्तों यहां से बात करें तो आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 28 अगस्त रहेगी। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो 9 सितंबर को और 9 से 10 अक्टूबर तक आपके एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।